हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कोरल ड्रॉ। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल पे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके सबसे पहले। अभी कोरल ड्रॉ ओपन हो चुका है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट एंड देन ओके। आज के इस वीडियोस में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इफ़ेक्ट मेनूस। इफ़ेक्ट मेनूस में ऑलरेडी कुछ टॉपिक मैं पहले वाले वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ, तो आज के इस वीडियोस में मैं आपको बताऊँगा आर्ट स्ट्रोक्स टूल्स एंड ब्लर टूल्स। सो स्टार्ट करते हैं आर्ट स्ट्रोक टूल्स कैसे आप यूज़ करोगे। अभी ये सारे फीचर्स डीएक्टिवेटेड हैं, तो हम यहाँ पर एक इम्पोर्ट कर लेते हैं एक इमेज। तो गो टू द फाइल एंड इम्पोर्ट, यानी यहाँ से कोई भी एक इमेज आप ओपन कर लीजिए, जो भी आपको इमेज चाहिए रहेगा जिसके ऊपर आपको इफेक्ट अप्लाई करना है। और एक मैं नॉर्मल रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो फर्स्ट मैं यहाँ से इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। गो टू द इफेक्ट आर्ट स्ट्रोक्स, जिसमें पहला ऑप्शन है चारकोल का। जैसे हम क्लिक करते हैं, एंड इस तरह से हमारे जो फोटोज है, जो इमेजेस मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है, या इसको जो भी सेलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर अगर आपको चारकोल इफेक्ट अप्लाई करना है तो यहाँ से दे सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन आता है साइज, जिसमें हम साइज़ की वैल्यूज़ को चारकोल का जो इफेक्ट है इसमें कम ज़्यादा रख सकते हैं। सेकेंड 2 का 1 का, या आपको जितनी भी वैल्यूज़ कम ज़्यादा करना है तो इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। अदरवाइज ये रहेगा तो यहाँ पर हम क्लिक करके वैल्यूज़ बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 10 का वैल्यूज़ दे सकते हैं, मिनिमम 1 का वैल्यूज़ रहेगा। तो आपको जो भी वैल्यूज़ आपको बेटर लगे, आपके पिक्चर्स के हिसाब से, आपके जो भी बैकग्राउंड, जो भी आपने ड्रॉ कर रखा है, या जो भी इमेज आपने ले रखी है, इमेज के हिसाब से जो बेटर लगे उस तरह का इफेक्ट दे सकते हो आप। यहाँ पे बढ़ाना है तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं चाहिए रहेगा तो आप कैंसिल कर सकते हो कमांड को। एंड इफेक्ट में नेक्स्ट हम देखते हैं आर्ट स्ट्रोक में है, क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पर कॉन्टेंट ग्रैंड करके ऑप्शंस है आपको, जिसमें आपको यहाँ पे कलर दिया हुआ है, आप पेपर कलर सेलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके भी हम कोई कलर चूज़ कर सकते हैं, एंड इसकी वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करके आपको जिस तरह से चाहिए रहेगा अप्लाई कर सकते हो। नहीं चाहिए रहेगा तो आप कैंसिल कर सकते हो, रिसेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पे इतने सारे इफेक्ट्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ क्यूबिस्ट एंड क्लिक करते हैं, इसमें इस तरह का इफेक्ट आएगा। पिक्चर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। एंड यही इफेक्ट चाहिए रहेगा मैं इस रेक्टेंगल के ऊपर, इस सिंपल से एक रेक्टेंगल के ऊपर अप्लाई करूं तो इसके ऊपर भी आएगा यहाँ पे आर्ट स्ट्रोक्स। एंड यहाँ पे क्लिक करते क्यों, एंड इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाते कम ज़्यादा करते। तो ये इस तरह से देखिए, अब ये रेक्टेंगल जो रेड कलर से पूरे एक नॉर्मल कलर था, जो जैसे इसकी वैल्यूज़ को बढ़ाए तो इस तरह के बैकग्राउंड कलर कलर के इफेक्ट देके आपको कोई बैकग्राउंड्स बनाना है तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। एंड इफेक्ट्स आर्ट स्ट्रोक्स, तो यहाँ पर इतने सारे इफेक्ट है। जैसे अभी पेन एंड इंक का हम क्लिक करते हैं तो पेन एंड इंक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पर आप इसे बढ़ाना है तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको कैसा चाहिए रहेगा। पेस्टलेस आपको अप्लाई करनी है तो वो भी आप क्लिक कर सकते हैं एंड देख लीजिए। सॉफ्ट अभी हमने सेलेक्शन किया, अगर आपको ऑयली चाहिए रहेगा तो ऑयली सेलेक्ट कर लीजिए। यू वेरिएशंस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी चाहिए रहेगा तो वैल्यू सब बढ़ा सकते हो। तो टोटली ये इफेक्ट्स में अगर हम आते हैं तो आर्ट स्ट्रोक में ये सारे इफेक्ट है, 1 by 1 करके आप चेक कर सकते हो। जैसे स्केच पैड आपको चाहिए रहेगा या वाटर कलर चाहिए रहेगा तो वाटर कलर इफेक्ट आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर इसमें बहुत सारे, अब जो भी मैं वैल्यूज़ कम ज़्यादा कर रहा हूँ ब्राइटनेस का, ब्लेंड का, वाटर अमाउंट का, बट इसके ऊपर वो इफेक्ट दिख नहीं रहा है, तो हम सेलेक्ट करते हैं इस पिक्चर्स पर देखते कि उसका इफेक्ट कितना दिखाई देता है। तो इफेक्ट आर्ट स्ट्रोक्स एंड यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वाटर कलर एंड क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ तो देख इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। तो आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना चाहते हो तो इस तरह से भी आपको बेटर लगे, या आप कुछ बना रहे हो तो इफेक्ट्स को कम ज़्यादा कर सकते हो, या इफेक्ट्स को आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रश की वैल्यूज़ दे सकते हो, वाटर अमाउंट की वैल्यूज़ यहाँ से कम ज़्यादा रख सकते हो, एंड ब्राइटनेस की वैल्यूज़ कम ज़्यादा, एंड कैंसिल करते हैं अगर हमें अप्लाई नहीं करनी है तो। आर्ट स्ट्रोक में नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पे इतने सारे इफेक्ट है, जैसे मैंने वाटर मेकर है, वे है, तो आपको जस्ट क्लिक करना है तो वेव का इफेक्ट अप्लाई करना है तो वेव का, ब्रश फेशियल, यहाँ पे ब्रश आपको
प्रेशर्स उसके कितने चाहिए रहेगा वो बढ़ा सकते हो। कलर ब्लैक एंड वाइट रखनी है तो आप ब्लैक एंड वाइट भी चूज़ कर सकते हैं। तो आर्ट स्टॉक में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप एक एक करके यूज़ कर सकते हो एंड क्लिक करोगे तो सारे के अलग अलग आपको इफेक्ट दिखाई देगा। किसी पिक्चर्स कोई बैकग्राउंड आपको क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इफेक्ट में आर्ट स्टॉक्स में। इस तरह से सारे इफेक्ट वन बाय वन करके हमने नाइफ का अगर यूज़ करना है तो उसका भी है यहाँ पे लेट नाइफ देख लीजिए इस तरह का इफेक्ट हो जाएगा। इस एजेस को थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं ऐसे इसकी वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं सॉफ्ट करने के लिए। ब्लेड साइज़ आपको कितना चाहिए रहेगा इस तरह से कट किया हुआ आपको तो ये वैल्यूज देके आप फोटोस इफेक्ट या बैकग्राउंड क्रिएशन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि आर्ट स्ट्रोक्स के बाद आता है ब्लर का ऑप्शन। ब्लर में पहला है डायरेक्शनल ब्लर है डायरेक्शनल स्मूथ है जस्ट आपको क्लिक कर सकते हो। क्लिक करते ही इसके डायरेक्शनल स्मूथ कर देगा ये तो जो भी डायरेक्शनल ब्लर रहेगा उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं ब्लर में ब्लर एंड फेदर ब्लर है। क्लिक करिए जो फेदर है यानी ये जो पूरी इमेज थी जो आउटर एरियाज है अगर मैं इसे बढ़ा देता हूँ फेदर की वैल्यू जितना बढ़ाते जाऊँगा इतना ये फेदर हो जाएगा इस तरह से और ये कम करना है आउटर एरियाज तो इस तरह से इसके फेदर वैल्यू। अब यहाँ पे कर्व है आपको लीनियर फेदर चाहिए रहेगा जिस तरह का भी फेदर आपको चाहिए रहेगा यहाँ पे मोड पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं फेदर की वैल्यूज कम ज़्यादा रख सकते हैं। इफेक्ट ब्लर एंड नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कॉन्शन ब्लर दिया हुआ है जस्ट आपको क्लिक करने हैं और इसकी वैल्यूज को आपको इस तरह से बढ़ा देने हैं। अगर आपको ब्लर करनी है तो जितना भी ब्लर करना हो इस तरह से एरिया यहाँ पे रेडियस इस ब्लर का कम ज़्यादा आप रख सकते हो कितना पिक्सल्स रेडियस ये रहेगा उतना आप दे सकते हो एंड ब्लर कर सकते हो। नेक्स्ट इफेक्ट ब्लर में आता है आपको यहाँ पे अलग अलग ब्लर दिया हुआ है मोशन है लो पास है ओके स्मार्ट ब्लर है स्मूथ है जूमी ब्लर है तो आप जो भी आपको ब्लर जैसे जूमी ब्लर अप्लाई करनी है तो देखिए पिक्चर पे इस तरह से हम जूमी ब्लर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका ब्लर का अप्लाई कर सकते हो एंड आपको जो भी चाहिए रहेगा इस तरह से कोई इफेक्ट क्रिएशन करना है तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं एंड देन ओके करना है नहीं चाहिए तो कैंसिल कर सकते हैं। तो इफेक्ट में हम ब्लर देखते हैं तो जितने भी अलग अलग टाइप्स के ब्लर हैं और सबका अलग अलग इफेक्ट आपको पिक्चर्स के ऊपर दिखाई देगा। स्मार्ट ब्लर पे क्लिक करते हैं तो स्मार्ट ब्लर इस तरह का ब्लरिंग करता है। अभी ये पूरा पिक्चर सिलेक्शन है इसलिए पूरे पिक्चर पे हो रहा है आपको जितनी एरियाज में ब्लर अप्लाई करनी है उतनी एरियाज ही सेलेक्ट करिए एंड अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियोस में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।